अजय देवगन ने अपनी मोस्ट अवेटेड मूवी सिंघम 3 की अनाउंसमेंट कर दी है और कुछ ही दिनों पहले अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करते हुए काफी बड़ी अपडेट दे दी है कि वो बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस बार सिंघम फिल्म का नाम सिंघम 3 ना होकर सिंघम अगेन होने वाला है। सिंघम अगेन को लेकर कई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। मेकर्स का कहना है कि वो बहुत ही जल्द फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट कम्प्लीट हो चुकी है और फिल्म की कास्टिंग में भी काफी बड़े बड़े नाम शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि फिल्म के मेन लीड रोल में हमें अजय देवगन ही देखने को मिलेंगे और इनके साथ हीरोइन के रोल में हमें दीपिका पादुकोण देखने को मिलेंगी, जो फिल्म में लेडी सिंघम का रोल निभाने वाली हैं। खबरें आ रही कि फिल्म में हमें विलेन के रोल में जैकी श्रॉफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस बारे में मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। वहीं बात करें सिंघम अगेन मूवी के डायरेक्टर की, तो इस बार भी सिंघम मूवी के थर्ड पार्ट को रोहित शेट्टी ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि फिल्म में हमें किस लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फिल्म में अजय देवगन किसी इंटरनेशनल केस को सॉल्व करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इस केस में दीपिका पादुकोण भी उनका साथ देते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जिस तरह से अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपडेट दी है, उससे पता चल रहा है कि ये फिल्म हमें 2024 में ही देखने को मिल जाएगी, यानी अभी हमें फिल्म के लिए एक साल का और इंतजार करना पड़ेगा। सिंघम अगेन फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।